आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं फ्रेंड कि आधार कार्ड में अपना एड्रेस कैसे चेंज करें विदाउट किसी एड्रेस प्रूफ के। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आप भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना चाहते हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं है तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप पता कर पाएंगे फ्रेंड कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो चलिए जानते हैं। बिना किसी डॉक्यूमेंट के अगर आप फ्रेंड अपने आधार कार्ड में कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। अगर फिर आधार कार्ड में आप कुछ भी अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या रहता है, यहाँ से आ जाना रहता है। यहाँ से देख सकते हैं uidi.gov.in की ऑफिशियल साइट में, यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से माई आधार पे आएंगे तो एक ऑप्शन रहता है बुक एंड अपॉइंटमेंट। आपको सिंपली यहाँ से बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर अपडेट करा सकते हैं और न्यू आधार कार्ड भी यहाँ से फिर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरे पास काफ़ी सारे जैसा कि कमेंट आए हैं कि बिना किसी डॉक्यूमेंट का अगर हम एड्रेस चेंज कराना चाहे तो कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से आ जाना है इसकी ऑफिशियल साइट में, माई आधार में आपको आ जाना है। यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से देख सकते हैं डाउनलोड का यहीं से ऑप्शन मिल जाता है लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहीं से देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट यहाँ से दे सकते हैं। जैसे फिर अगर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करना चाहते हो, यहाँ से नीचे आएंगे देख सकते हैं आपको मिल जाएगा प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज करने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट है, बैंक का यहाँ से स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट का कोई भी कार्ड आप यहाँ से दे सकते हैं। या फिर यहीं से देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जैसे कॉस्ट ऑफ एड्रेस हैविंग फोटोज इशू बाय एमपी और एमएलए एमएलसी, जो यहाँ से गेजेटेड ऑफिसर रहते हैं जो इनमें तहसीलदार हो गया और यूआईडीआई स्टैंडर्ड यहाँ से कैटेगरी के जो यहाँ से सर्टिफाइड फॉर्मेट के रहते हैं, अगर आप इनसे ये डॉक्यूमेंट को फिल करवा लेते हैं जो ये नीचे डॉक्यूमेंट दिया गया है तो भी ये वर्क करेगा। अब ये डॉक्यूमेंट को आपको क्या क्या फिल करना है इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले जाके आपको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा लेना है, जहाँ से फिर देख सकते हैं ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा अगर आप इसे इशू करवाते हैं तो। सबसे पहले आपको डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर यानी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल करनी है। यहाँ से फिर देख सकते हैं आपको सबसे पहले रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना, इसके आधार कार्ड का आपको यहाँ से नंबर डाल देना, आपका फुल नाम रहेगा। यहाँ से फिर देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ जिसको सन ऑफ रहेगा डाल देंगे। यहाँ से आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है, नीचे आएंगे ब्लॉक हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया, ये पिन कोड हो गया, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से फिल कर देंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे जिससे भी आपके रहता है। यहाँ से फिर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सर्टिफाइड डिटेल फिल बाय द, यहाँ से जो कि सर्टिफाइड ओनली रहेगा उनका यहाँ से नाम देख जो सर्टिफाइड करेंगे उनका नाम फिल करना पड़ेगा, उनका रेजिग्नेशन क्या है उसको डालना है, उनकी ऑफिस का एड्रेस क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको उनका देना पड़ेगा। इसमें देख सकते हैं फिर कौन कौन से आप इसे फिल करवा सकते हैं, जिनमें गेस्टेड ऑफिसर हो जो ग्रुप ग्रेड ए के हो रहते हैं, यहाँ से विलेज पंचायत हेड जो कि मुखिया होते हैं, या फिर गेस्टेड ऑफिसर जो यहाँ से बी ग्रेड के होते हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी, म्यूनसिपल जो कि रहते हैं इन सब करवा सकते हैं, तहसीलदार से आप फिल करवा सकते हैं, हेड ऑफ कोऑर्डिनेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप उनसे फिल करवा सकते हैं, ये इफको ऑफिसर से फिल करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें दी हैं जिनसे आप फिल करवा सकते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से ग्रेड के जॉब किसके लिए आप यहाँ से कौन कौन सा फिल करवा सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाहते हैं तो 4, 5, 6, 14, 15 शेड्यूल इनसे ऑफिसर से करवा सकते हैं, और प्रूफ ऑफ आईडी में ये चीज़ दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में ये सारी चीज़ इनसे आप फिल करवा सकते हैं। नीचे आएंगे फिर तो आपको सिंपल देखने को मिल जाएगा कैसे आप इसको फिल करवाना है, आप यहाँ से आके सिंपल देख के इसे फिल भी करवा सकते हैं। यहाँ के स्टेट ऑफिसर्स करवाएंगे तो यहाँ से स्टाम्प एक लगाना पड़ेगा, यहाँ से उनका स्टाम्प लगेगा और यहाँ से वो टिक करेंगे किस रैंक के ऑफिसर हैं, कहाँ से आप ये हेड करते हैं, इनका फुल क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल करवाएंगे। नीचे आएंगे देख सकते हैं डेट ऑफ इशू के लिए सारे लिस्ट मिल जाएगी जो कि मैंने अभी आपको यहाँ से बताया था कि कौन कौन से रैम को जो नंबर के दिए गए हैं कि किस किस के लिए किन से आप करवा सकते हैं, आप वो नंबर आप यहाँ से देख आके देख सकते हैं कौन से नंबर में कौन से ऑफिसर रहते हैं, जैसे 10 में एरिया सेक्टर हो गया, म्यूनिसिपल एरिया, ये सारी चीज़ें यहाँ से
ये देगी। आप इसको देख के फिर यहाँ से फिल करवा सकते हैं और बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप अपने एड्रेस में कोई भी करेक्शन करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आप ये करवाते सिर्फ 3 मंथ के लिए तक ही वैलिड रहता है, 3 मंथ बाद एक्सपायर हो जाता है। तो अगर एक बार आप सिग्नेचर करवाते तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको उसे जरूर करवा लेना चाहिए। सो गाइज, इस प्रकार आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के यहाँ से अपना करवा सकते हैं अपने एड्रेस में चेंज, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूँ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पर क्लिक करें। इस तरीके से जितने भी यूजफुल वीडियो आपके लाते हैं उसको यूजफुल आपको पहुँचा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।